नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। आज एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। दरअसल हम, आप और ना जाने देश के कितने लोग जो हैं, करोड़ों के हिसाब में ये लोग होंगे जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी ऐप्स जो हैं, सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन पर रोक लगाने के लिए या फिर इनको निर्धारित करने के लिए, इनको संचालित करने के लिए अभी तक कोई भी कानून केंद्र सरकार की तरफ से नहीं था, कोई भी रोक इस पर नहीं थी। लोग जैसे भी चाहें वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन आज जो मोदी सरकार ने फैसला लिया है, उसके मुताबिक अब जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स यानी कि सोशल मीडिया के साथ साथ में OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब अब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के अधीन आ गए हैं। जिस तरह से टीवी न्यूज़, जो न्यूज़ टीवीज़ हैं और जिस तरह से अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनको रेगुलेट किया जाता है, उसी तरीके से अब सरकार जो है उसने दिशा और दशा फेसबुक के साथ साथ में जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया पर कंटेंट डालने वाले हैं, उनके लिए तय कर दिए हैं और उनके लिए बाकायदा एक पूरा ब्यौरा तैयार किया गया है कि कैसे आप फेसबुक का या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, OTT प्लेटफॉर्म थे, उन पर किसी भी तरीके का कोई रोक नहीं लगा थी। अब ये रोक जो है वो लगना शुरू हो गई है और आज से ही इसका जो है सीधे तौर पर आज से ही ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। अगर हम मेन बात करेंगे तो इसमें अब आप जैसे कोई खुराफात करता था, सोशल मीडिया पर गाली गलौज देता था, धमकी देता था, अश्लील वीडियो को वायरल करना या फिर अफवाह किसी भी तरीके की फैलाना या फिर किसी के चरित्र का हनन करना, ये अब अगर आप इस पर करेंगे सोशल मीडिया पर, तो इसका आपको दंड भी मिल सकता है। अब सिर्फ माफ़ी मांगने से इसका काम जो है वो नहीं चलेगा, इसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ में सबसे अहम बात है कि जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स हैं, उनको अपने अपने जहां से वो संचालित होते हैं, उनका पूरा प्रसारण स्थल का ब्यौरा जो है वो डिपार्टमेंट को देना होगा, सरकार को देना होगा। और आपको अपना एक ग्रीवेंस रिहर्सल सिस्टम, जहां पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवा सके, एक ऐसा सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। और इन ग्रीवेंसेस रिहर्सल सिस्टम में जो भी शिकायतें आएंगी, उसे एक तयशुदा समय सीमा के बीच में आपको उसका निवारण करना होगा। और अगर किसी महिला के साथ जुड़ा हुआ कोई कंटेंट है और उसकी कोई शिकायत आती है, तो 24 घंटों के भीतर आपको इसे हटाना होगा। हमने देखा भी हाल ही में जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जो किसान आंदोलन 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किले पर पहुंचा और वहां जिस तरह से उपद्रव हुआ, वहां किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद विदेशी ताकतें भी जिस तरह से, जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं और जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो बाकी देश है भारत के अंदर, जिस तरह से वो एक अफवाह फैलाते हैं, एक ऐसा धारणा बनाने की कोशिश की जाती है, एक कहीं ना कहीं साजिश रची जाती है कि भारत के अंदर किसानों पर जो है वो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, उनके सही बर्ताव नहीं हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को अब कंट्रोल करेगी भारत सरकार। और ये भारत में पहली बार इस तरह का निर्देश जो है वो दिया गया। और मोदी सरकार, हालांकि इसमें पिछले कई दिनों से जो है वो चर्चा चल रही थी, लेकिन हाल ही में अब इस चर्चा को जो है आज पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है और इसको आज जारी कर दिया गया है। इसमें मुख्य जो बिंदु होंगे वो हम आपको बता सकते हैं। इसमें दो तरह की कैटेगरी होंगी, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट। सबको ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म बनाना होगा, 24 घंटों में शिकायत दर्ज होगी और 14 दिन में इसका निपटाना करना होगा। अगर यूज़र खासतौर पर महिला के सम्मान की खिलवाड़ हुई तो 24 घंटे में, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा जो भारत का ही निवासी होगा। एक नोडल कंटेंट पर्सन रखना होगा जो कानूनी एजेंसियों के 24 घंटे संपर्क में रहेगा। मंथली कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट भी आपको जारी करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर कोई खुराफात सबसे पहले किसने की, इसके बारे में सोशल मीडिया कंपनी को बताना पड़ेगा। हर सोशल मीडिया कंपनी का भारत में एक परमानेंट एड्रेस जो है वो होना चाहिए। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूजर्स वेरिफिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। सोशल मीडिया के लिए नियम आज से ही लागू हो जाएंगे।
सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट को 3 माह का वक्त जो है वो मिला है। वहीं अगर हम बात करें तो OTT और डिजिटल न्यूज़ मीडिया के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। दोनों को ग्रीवियंस रिहर्सल सिस्टम लागू करना होगा, अगर गलती पाई गई तो खुद से रेगुलेट करना होगा। OTT प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई नामी हस्ती हेड करेगा। सेंसर बोर्ड की तरह OTT पर भी उम्र के हिसाब से सर्टिफिकेशन की व्यवस्था होगी, एथिक्स कोड TV सिनेमा जैसे ही रहेगा। डिजिटल मीडिया पोर्टल्स को अफवाह और झूठ फैलाने का अधिकार नहीं होगा। तो ये कुछ एक मेन पॉइंट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि आज जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, वो इसकी डिटेल जानकारी आज दोपहर को 2 बजे जब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरकार उन्होंने किन किन तथ्यों को सामने रखते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। उसके लिए वी हैव डिसाइडेड टू हैव 3-tier मैकेनिज्म फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स। फर्स्ट, फॉर OTT एंड डिजिटल न्यूज मीडिया बोथ विल हैव टू डिस्क्लोज देयर डिटेल्स फ्रॉम वेयर दे पब्लिश, हाउ दे पब्लिश, हाउ मच इज दिस स्प्रेड, एनीथिंग, सो दैट डिस्क्लोजर विल कम, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन। We are not mandating a registration. We are seeking information. Then second is, there has to be grievance redressal system. As Raviji has said, their grievance redressal system in the same manner, it will work in OTT platforms and digital portals also. They will have to have their own portal for grievance redressal. Then second tier will be self-regulation. On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by a retired Supreme Court or High Court judge or otherwise very eminent person in this category. So this is what we are entailing. So there, any grievances, there has to be a place for making grievance. Uski sunwai honi chahiye aur uske sunwai par koi judgment aana chahiye. Aur jaise hum TV pe dekhte hai ki TV par scroll aata hai, maafi mangte hai, kuch dand bhi hota hai, to ye khud karte hai, sarkar nahi karti. To waisa hi hum karna chahte hai. Uske baad एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, बट हु वॉज द क्रिएटर, हु वॉज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ। बार बार चीजें रीट्वीट पर रीट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप मॉब लिंचिंग में, तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा। दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं। हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा। ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया, ये बताना पड़ेगा। आई रिपीट, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपॉन बींग आस्क्ड आइदर बाय अ कोर्ट ऑर्डर और बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द मिसचीवियस ट्वीट or message as the case may be, and this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number one, number two, security of the state, public order, relations with foreign states, or rape, sexually explicit material, etc., etc.